भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल आदरणीय श्री कप्तान सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हुड्डा जी, केंद्र सरकार में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, कल पूरा देश जन्माष्टमी का पर्व मना रहा था। आज जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तो कुरुक्षेत्र की याद बहुत स्वाभाविक आती है। ये कुरुक्षेत्र की धरती जहां से नैतिकता के विजय का बिगल बजा था, ये कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी है जहां युद्ध के मैदान में शाश्वत शांति का संदेश दिया गया था। शायद विश्व में गीता एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी रचना युद्ध की भूमि में हुई थी। ऐसे हरियाणा की धरती पर आज आने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा में मेरा पहला सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन आप सबने जो उमंग, उत्साह और प्यार दिया है, इसके लिए मैं हरियाणा का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं हरियाणा के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो विश्वास दिया है, इसे मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। मैं हरियाणा को उतना ही जानता हूं जितना मैं गुजरात को जानता हूं। कई वर्षों तक यहां रहने का मुझे अवसर मिला। यहां के जीवन को जानने का अवसर मिला। बहुत कुछ मुझे हरियाणा की धरती से सीखने को भी मिला है। और मेरे लिए गर्व की बात है, मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और हरियाणा के हर कोने में आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा दीक्षा का हर परिवार में महत्व है। यहां के जीवन मूल्यों में, यहां के समाज जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा दीक्षा की छाया आज भी हम महसूस करते हैं। और इसलिए
जो मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो नैतिकता में विश्वास करते हैं, उनको इस धरती पर आदर होना बहुत स्वाभाविक है। यहां के लोगों के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है। हरियाणा के व्यंग विनोद से मैं भली भांति परिचित हूं। कितनी ही कठिन से कठिन बात को भी व्यंग और विनोद से आगे बढ़ाना, यह हरियाणा की विशेषता मैंने देखी है। और बड़ी सहज ग्रामीण लहजे में इतना बड़ा ये समारोह, ये किस बात का सबूत देता है? इतनी बड़ी भीड़ किस बात का संदेश देती है? भाइयों बहनों, ये उत्साह, ये उमंग, ये भीड़ इस बात का भरोसा देती है, इस बात का संकेत देती है कि देश की जनता को विकास में कितना विश्वास है। सामान्य मानवी विकास उसकी प्राथमिकता बना हुआ है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ड्राइवर हो, आप किसी से भी पूछिए, जब बात करते हैं तो उसको लगता है कि भाई अब बहुत दिन हो गए, अब पिछड़े हुए रहना नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है, विकास एक ही मार्ग है जो हमें आगे ले जाएगा। आज जो हमारी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से मुक्ति भी विकास से ही आने वाली है। हमारे परिवार में नौजवानों को रोजगार चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार के अवसर कहां से प्राप्त होंगे? और अगर रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो हमारे नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? कितनी ही ज्यादा जमीन क्यों ना हो, किसान भी आज क्या सोच रहा है? किसान भी ये सोचता है कि अगर तीन बेटे हैं तो किसान भी सोचता है कि एक बेटे तो खेती करेगा, लेकिन दो बेटे कहीं शहर में चले जाए, नौकरी करे, रोजगार कमा ले, ये किसान भी सोचने लगा है। इस धरती की सच्चाई को समझ करके हमें देश को विकास की दिशा में ले जाना होगा। और विकास की दिशा में जाना है तो एक बात निश्चित है, जो देश इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देता है, आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को महात्म्य देता है, रास्ते हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, ये व्यवस्थाएं जो जल्दी विकसित करता है, वहां पर विकास की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ती है। अपना हरियाणा इसका उत्तम उदाहरण है। कहीं बाहर जाकर के समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं हरियाणा के हर गली मोहल्ले में घूमा हुआ इंसान, उसने मुझे पता है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे 1 जो पूरा उत्तर से दक्षिण हरियाणा के बीच से गुजरता है, आपने देखा होगा
उस रोड के दोनों तरफ कितना तेज गति से विकास हुआ है, लेकिन जैसे अंदर की तरफ जाते हैं हरियाणा में तो हमें वो कमी महसूस होती है। एक अच्छा रोड बनने के कारण नेशनल हाईवे 1 उसके दोनों तरफ तेज गति से विकास हुआ। उसी प्रकार से रास्तों का नेटवर्क जब बनता है तो विकास को वो गति देता है। हमारे शरीर में भी रक्त पहुंचाने के लिए जैसे धमनी होती हैं, नसें होती हैं, जिसके माध्यम से रक्त चालन होता है और जीवन गति पाता है, उसी प्रकार से रास्ते राष्ट्र के जीवन में धमनी का काम करते हैं, जो विकास को सुदूर इलाकों में पहुंचाने का काम करते हैं। ये रास्ता हरियाणा और राजस्थान को जोड़ रहा है। हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने का मतलब सिर्फ इस पर से गाड़ियां आएगी जाएगी वो नहीं है। दो राज्यों को इस प्रकार से एक अतिरिक्त रास्ता जब मिल जाता है और उसकी कैपेसिटी जब बढ़ जाती है तो व्यापार क्षेत्र के लिए, यातायात के लिए ये बहुत सुविधाजनक बनता है। और इसके कारण न सिर्फ हरियाणा का भला होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान का भी भला होने वाला है। और हरियाणा और राजस्थान का भला है तो देश का भी भला होने वाला है। और इसलिए आपने जैसा हम पर विश्वास रखा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पिछली शताब्दी वाला नहीं चलेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है ऐसे ही डामर डाल दिया, थोड़ा काला रंग हो गया, रोड बन गया, पहली बारिश में सब तबाह हो जाता है। पता नहीं पैसे किसकी जेब में जाते हैं। अब वक्त बदला है, देश की जनता दुनिया में जो बदलाव आ रहा है देख रहे हैं और उसे भी अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटरनेशनल लेवल के रास्तों की भूख जगी है। और हमें ये पूरा करना चाहिए। हमें अगर देश को आगे ले जाना है तो हमने आगे के संबंध में सोचना होगा। और इसलिए सिर्फ रास्तों की जाल, सिर्फ रास्तों का नेटवर्क, इसी मात्र से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा नहीं होता है। सिर्फ रेल के नेटवर्क से भी 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा नहीं होता है। अगर हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ना है तो ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क लगाना पड़ेगा, गैस ग्रिड करनी पड़ेगी, वाटर ग्रिड करनी पड़ेगी, बिजली की ग्रिड घर घर तक पहुंचानी पड़ेगी, आधुनिक से आधुनिक विज्ञान और उसकी कनेक्टिविटी हर गांव हर घर तक पहुंचे, उस दिशा में हमें योजना करनी होगी। हम बहुत तेजी से
हिंदुस्तान के गांवों को आधुनिक विज्ञान का लाभ मिले, दूर सुदूर गांव की स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन का लाभ मिले, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाल बिछे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाए जाए, एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नई पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बातों पर बल देने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, मैंने 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम अपने मन की कुछ बातें कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले पर से मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोले नहीं। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसी आदत हो गई है, कोई भी काम हो तो पूछते हैं मेरा क्या। और जब वो बात बनती नहीं है तो हाथ ऊपर कर देते हैं, कहता है ठीक है मुझे क्या। तो ये मेरा क्या और मुझे क्या, इसने देश को तबाह करके रखा हुआ है। यहां मौजूद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भ्रष्टाचार को समर्थन देता हो। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? अगर मैं वो कठोर कदम उठाऊं, आपके आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद की ताकत से इस देश में इस बीमारी को हम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बीमारी इतनी भयानक है, इतनी फैल चुकी है, कैंसर से भी ज्यादा, पूरे राष्ट्र जीवन को तबाह करने वाली बीमारी है। और इसलिए पूरे देश का एक मिजाज बनाना है। और मैं अनुभव कर रहा हूं, देश अब लंबे अरसे तक बुराइयों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। देश लंबे अरसे तक ये बुराइयों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, जब चुनाव के दिनों में मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला था, तब भी मैंने कहा था कि हरियाणा का मुझ पर एक विशेष अधिकार है। और आज प्रधान सेवक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भी दोबारा मैं कहता हूं, हरियाणा का मुझ पर विशेष अधिकार है। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार की कई योजनाएं यहां कोई 4 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी, कोई 2 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी, वो विलंबित पड़ी हुई हैं। मैं हरियाणा भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि भूतकाल में जिन योजनाओं को प्रारंभ किया गया था, जो आज अटकी पड़ी हुई है, उनको बहुत ही जल्द प्रारंभ करके तेज गति से पूर्ण हो, उसके लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार पूरा प्रयास करेगी।
हरियाणा का किसान देश के अन्न के भंडार भरता है। भाइयों बहनों, हमारा किसान देश के अन्न के भंडार तो भरता है, लेकिन किसान की जेब खाली रह जाती है। हमें देश की कृषि को उस दिशा में ले जाना है ताकि देश के अनाज के भंडार भी भरे और किसान का जेब भी भरे। हरियाणा ने देश के कृषि विकास में बहुत योगदान किया है। यहां के किसानों की मेहनत हिंदुस्तान के नागरिकों का पेट भरने में कभी पीछे नहीं रही है। मैं हरियाणा के किसानों को नमन करता हूं, लेकिन मैं हरियाणा के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का अभियान उठाया था, हमने तय किया है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ताकि गांव गांव अगर किसान को पानी मिला तो फिर किसान को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पानी मिल गया तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। किसान खेत में मजदूरी करके हिंदुस्तान के भाग्य को बदल सकता है। और इसलिए अगर देश के गांव के जीवन को बदलना है, हमारी कृषि को आधुनिक बनाना है, वैज्ञानिक ढंग से हमारा किसान कृषि करता चले, कृषि के साथ पशुपालन भी हो, ताकि कभी भी वर्षा कम अधिक के कारण किसान को परेशान होने की नौबत ना आए, पशुपालन के माध्यम से अगर संकटों के दिनों में भी एक साल गुजारने की नौबत आए तो हमारा किसान आराम से गुजार दे, उस प्रकार की उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आइए विकास के मंत्र को हम हरियाणा में गांव गांव, गली गली, घर घर पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और हिंदुस्तान के अग्रिम राज्यों में हरियाणा भी अपनी जगह बनाए। उसके लिए हम सब मिलकर के, दिल्ली सरकार हो या राज्य सरकार हो, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें और हरियाणा के भाग्य को बदले। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।